So hi everyone and welcome back once again to the channel. So as you all know that NABARD graded 2022 final results are now out. अगर आप में से किसी को नहीं पता है जल्दी से NABARD की वेबसाइट पे जाओ उनके करियर नोटिसेस पे जाके जस्ट चेक योर रिजल्ट्स. टोटल 158 कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड दिस टाइम फॉर NABARD ग्रेड ए RDBS जनरल राइट फॉर द ईयर 2022 एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू जिनका सिलेक्शन हो गया है. सो नाउ आपने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली है और अब आगे आपको सीढ़ियां चढ़नी है. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट अब आपके पास मौका मिलेगा टू सर्व द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन. यू विल हैव द चांस टू सर्व द रूरल इंडिया. यू विल हैव द चांस टू सर्व द कंट्री एंड प्रॉमिस करो कि आप उस चीज में ऑनेस्ट रहोगे, ऑनेस्टली अपना काम आगे करोगे. ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स बहुत खुशी की बात है, बट एट द सेम टाइम जस्ट डोंट बी यू नो घमंड नहीं होना चाहिए इस चीज का, राइट? अभी आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में. सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज हु हैव बीन सिलेक्टेड दिस टाइम. एंड या जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है, ज्यादा परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप दो अपने आप को, ठीक है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा शांत होए. एंड RBI आने वाला ही तो फिर परेशान होने की कोई बात ही नहीं है. NABARD चला गया, RBI आ रहा है, RBI चला जाएगा, NABARD आएगा और ऐसी दुनिया चलती रहेगी और आपका एग्जाम एक ना एक दिन जरूर निकलेगा. आई प्रोमिस यू करी हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाती. सो द मैसेज टू बोथ द टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है, ज्यादा खुश नहीं होना है, ज्यादा नाराज नहीं होना है, आराम से चिल करो, ठीक है, रिलैक्स करो. दोनों ही टाइप के लोग, ऐसा ना हो कि खुशी में कोई एक आधा कुछ कर ले और ऐसा ना हो कि कुछ गम में आ गए, कोई ज्यादा परेशान हो जाए, ऐसा नहीं होना है. फॉलो द मिडिल पाथ, जैसे हमारे द ग्रेट बुद्धा ने बोला था कि आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, ठीक है. एंड या बहुत जल्द हम आपके सामने टॉपर्स के इंटरव्यूज लेके आएंगे, सो यू गाइज विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज इंटरव्यूज. तो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.